Friends, welcome to Center for Online Education. In the series of GST, we are going to explore another topic today, GST slab and filing. मित्रों, आज हम लोग देखेंगे कि GST slab और उसको कैसे file करते हैं. जैसे कि MCOM और BCOM दोनों के छात्रों के लिए ये बहुत ज़रूरी है. तो आइए देखते हैं कैसे इसको file करते हैं, उसका slab क्या है. When we talk about the GST slab, as per the Government of India, presently, in August 2024, there are 5 slabs given over here. Means, 2024 August को देखेंगे और आज की डेट पर हमारे पास 5 slab है. 0% वाले slab, जहाँ पर कोई भी goods और service पे tax नहीं लगता है, यहाँ पे कोई भी कर नहीं लगता है. 5%, 12%, 18%, 28%. Means, you have got 5 tax slab in which 0% which is being fully exempted, 5%, 12%, 18%, 28%. So these are the 4 slabs in which the goods and services are being divided. इन्हीं चारों में goods और services को divide किया गया है, जिसमें कि हमें कर लगाया जाता है. अब देखते हैं एक एक करके कि ये कौन कौन से वस्तुएं हैं और कौन कौन सी सेवाएं हैं जिसमें ये कर सरकार द्वारा निर्धारित हुई है. लेट्स एक्सप्लोर. If we talk about the 5% GST rate, the products which are being covered in the 5% are ultra high temperature milk, milk food for babies, yogurt, pre-packed and labeled curds, lassi, buttermilk, sugars and spices, coal, edible oils, cashew nuts, fabric, apparel and clothing accessories, sale value not exceeding ₹1000. अगर आप देखेंगे 5% के कर के दायरे में कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं, तो बहुत अधिक तापमान में रखे हुए दूध, दूध बच्चों के लिए दूध जो है, दही, इस तरह से लस्सी हुई, छाछ हुआ, चीनी से बनी चीज़ें, कोयला, तेल, इस तरह से जितने भी कट कैशू नट्स हैं, फैब्रिक और अपैरल जो हैं, जो कपड़े हैं जिनको ₹1000 से कम का मूल्य है, वो 5% में आते हैं. अगर मूल्य 1000 से ऊपर हो जाता है तो 5% के दायरे से ये बाहर चले जाते हैं. सो दीज आर द प्रोडक्ट्स विच इज़ बीइंग कवर्ड अंडर द 5% टैक्स रिजीम. नाउ वी टॉक अबाउट द 12% GST रेट. फर्स्ट वन इज कंडेंस्ड मिल्क, सेकेंड इज बटर, चीज़, नट्स एंड ड्राइड डेट्स, फैट्स ऑफ वुवन मिल्क, सॉसेजेस, रिफाइंड शुगर क्यूब्स, पैक्ड पनीर, डायबिटिक फूड, पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर इन 20 लीटर्स वाटर, मार्बल एंड ग्रेनाइट ब्लॉक्स, रबर बैंड्स, हैंड बैग्स एंड शॉपिंग बैग्स ऑफ कॉटन एंड जूस. सो दीज आर द आइटम्स विच आर बीइंग केप्ट इनटू द स्लैब ऑफ 12%. मीन्स इफ एनी पर्सन इज डूइंग बिजनेस फॉर दीज प्रोडक्ट, ही हैज टू पे 12% ऑफ द GST. अगर हम 12% भी देखेंगे तो ये समस्त वस्तुएं आती हैं जिसमें 12% सरकार द्वारा कर निर्धारित है. नाउ वी टॉक अबाउट 18% GST रेट. सो इन द 18% GST रेट वी हैव गॉट माल्ट, वेजिटेबल सैप्स एंड एक्सट्रैक्ट्स, वैक्सेस, कैम्पलीपोर लैक्टोज, मेल्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रेक्टोज, चॉकलेट्स एंड कोको प्रोडक्ट्स, पेस्ट्रीज आइटम्स, आइसक्रीम्स, नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस, प्रोडक्ट कंटेनिंग निकोटीन, ओट्स एंड कंसनट्रेशन, मिनरल्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, परफ्यूम्स एंड टॉयलेट वाटर्स. मीन्स इफ वी टॉक अबाउट द 18% GST रेट, सो ऑल द प्रोडक्ट विच इज बींग हेयर आर बींग केप्ट, एंड इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस ऑफ ऑल दिस प्रोडक्ट, यू हैव टू पे 18% टैक्स. अगर आप इनमें से किसी भी वस्तुओं का व्यापार कर रहे हैं, उसका क्रय विक्रय कर रहे हैं, तो सरकार द्वारा इसमें 18% कर निर्धारण किया गया है. तो यहाँ देखने की बात यह है कि आपने देखा होगा कि दो चीज़ें, व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस, इट कम्स इनटू 18%, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एल्कोहलिक बेवरेजेस, इट कम्स इनटू 28%. सेम वे इफ वी टॉक अबाउट द अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, it comes into 5%, but when we talk about milk, curd and different things, it comes into the slab of 12%. So the question must be taken into consideration. एक छात्र को हरदम ये देखना चाहिए
कि जो भी वस्तु के बारे में उससे प्रश्न पूछा जा रहा है वो वस्तु किस तरह की है। अगर अत्यधिक टेम्परेचर पर रखा हुआ दुग्ध पदार्थों के बारे में बात करेगा तो 5% का निर्धारण है उसका, लेकिन अगर नॉर्मल टेम्परेचर में प्रोसेस्ड दूध और दूध के बनाए हुए प्रोडक्ट हैं तो वो 12% स्लैब में चले जाते हैं। तो इस तरह से देख करके ही आपको सवालों को अपने ध्यान से केंद्र हो करके इस चीज को आंसर देना है। नाउ आगे चलते हैं, तो इसमें 28% जीएसटी रेट। नाउ टॉकिंग अबाउट द 28% जीएसटी रेट, सो आई हैव टॉक्ड अबाउट दैट व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन निकोटिन प्रोडक्ट इट कम्स टू 80। All the product which is being hazardous or is being used by the ultra rich people are being kept into 28% tax slab. जो भी चीज़ें जो मनुष्य के लिए खतरनाक हैं एवं ऐसी चीज़ें जो मनुष्य उपभोग करता है अपने आप को आराम देने के लिए, वो सब जो हैं वो 28% tax slab में रखी गई हैं। So here let's explore the things: caffeinated beverages, carbonated beverages, टोबैको और टोबैको सब्सटीट्यूट्स, सीमेंट, एयर कंडीशनिंग मशीन्स, मॉनिटर्स एंड प्रोजेक्टर्स, मोटर व्हीकल्स। यू कैन एक्सप्लोर ओवर हियर, यू कैन सी ऑल द प्रोडक्ट्स व्हिच इज बीइंग मेंशन्ड ओवर हियर आर हाईली टैक्सेबल इनटू 28% स्लैब। व्हाई? बिकॉज ऑल दीज आर बीइंग यूज्ड बाय रिच क्लास ऑफ पीपल एंड दिस इज समवेयर द अदर harmful for the human being. As when we talk about the tobacco or tobacco substitute, it can cause cancer. So government has a policy that if we increase the price of certain things, the demand of that product will be reduced and its use will be less. Agar hum kisi cheez vastu ka moolya adhik kar dete hain to uski demand jo hai wo kam ho jati hai aur uske dwara hi इसका कम से कम हम उपभोग पब्लिक द्वारा करवाते हैं। सो हियर यू कैन से मॉनिटर्स एंड प्रोजेक्टर्स मींस ऑल द थिंग्स व्हिच इज बीइंग यूज्ड ओवर हियर आर बीइंग कंसिडर्ड। मोटर व्हीकल्स, वेदर इट इज 4-व्हीलर, वेदर इट इज 2-व्हीलर, वेदर इट इज बीन हाई क्लास मोटर व्हीकल्स, एवरीथिंग शुड बी कवर्ड इनटू 28% ऑफ टैक्स स्लैब। सो दीज आर द स्लैब्स व्हिच आर बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द thing, you can see that I have talked about the 5% slab, I have talked about the 12% slab, I have talked about the 18% slab, and I have talked about the 28% slab. Now these are the slabs in which a person has to pay the GST. मैंने आपको भी बताया चारों स्लाइड में कि 5% में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं, 12% में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, वस्तुएं आती हैं, 18% में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, वस्तुएं आती हैं, एवं 28% में कौन कौन से वस्तुएं आती हैं। तो ये चीज़ें आपको मालूम चल गई और आपको मालूम चल गया कि ये वस्तु का अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो इतना प्रतिशत कर आपको सरकार को देना है। अब इसके पहले हमने बताया था एक 0% होता है, और 0% क्या है, मतलब एग्जेम्प्टेड है, आप इसमें कुछ नहीं दे रहे, निल, यू आर पेइंग निल टैक्स ओवर हियर। सो निल टैक्स मींस द प्रोडक्ट इज बीइंग केप्ट अवे फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ जीएसटी, मतलब ये जो उत्पाद हैं, ये जो वस्तुएं हैं, इनको जीएसटी के एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, इनमें कोई भी सरकार द्वारा कर निर्धारण नहीं है। अब कौन कौन से हैं, लेट्स एक्सप्लोर। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, अनपैक्ड फूड ग्रेन्स, फ्रेश मीट, फिश एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, एग्स, सॉल्ट, अनब्रांडेड आटा फ्लोर, प्रसाद ऑफरिंग्स मेड टू डेटीज, पूजा आइटम्स, हवन सामग्री एक्सेट्रा, judicial and legislative documents, printed books, newspaper and magazines, educational materials, healthcare services, medical equipment and devices for disabled individual, sanitary napkins. So ये product जो हैं, अगर आप इस product
का बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, या इन सभी उत्पादों को आप किसी न किसी तरह से उपभोग करते हैं, तो सरकार द्वारा ये सारे वस्तुएं जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर के अधिनियम में नहीं आती हैं, मतलब इस पे जीएसटी नहीं लगता है। जैसे कि ताजे फल और सब्जी अगर आप लेते हैं तो उसमें कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। इसी तरह से जैसे मैंने बताया था कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर जो रखा हुआ दूध का प्रोडक्ट है उसमें आपको 5% टैक्स देना होता है, और प्रोसेस्ड मिल्क जो होता है, जो पैक्ड मिल्क आता है, उसमें आप 12% टैक्स देते हैं। यहाँ पर आता है जब अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क के बारे में बात करेंगे तो वो 5% में आता है, और प्रोसेस और पैक्ड मिल्क के बारे में बात करेंगे तो वो 12% में आता है। बट व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एक्सेप्ट पैक्ड एंड ब्रांडेड, मतलब उसका कोई ब्रांड नहीं हो, वो पैक्ड नहीं हो, मतलब आप जा करके ग्वाला से सीधे दूध ले रहे हैं, तो उसमें जीएसटी नहीं लगता है। देन अनपैक्ड फ्रूट ग्रेन्स, राइस वीट एक्सेट्रा मीन्स वॉट एवर प्रोडक्ट यू आर बाइंग फ्रॉम अ शॉप डायरेक्टली विच इज बीन नॉट पैक्ड और नॉट प्रोसेस, देर इज नो टैक्स। कोई भी उत्पाद, कोई भी वस्तु, अगर आप गेहूं चावल खरीदते हैं जो कि पैक नहीं है और सीधे आप उसको खरीद रहे हैं परचून की दुकान से, तो उसमें कोई भी जीएसटी निर्धारण नहीं किया गया है सरकार के द्वारा। फ्रेश मीट फिश एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट, जो भी आप अंडा खरीदते हैं, मांस मछली जो भी आप उपभोग कर रहे हैं, उसमें कोई भी जीएसटी नहीं लगता जब तक कि वो प्रोसेस नहीं है, जब तक कि वो पैक नहीं है। मीन्स द आइटम शुड नॉट बी पैक एंड इट शुड नॉट बी प्रोसेस्ड। देन सॉल्ट, देर इज नो जीएसटी व्हेन वी टॉक अबाउट सॉल्ट, नमक में कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। अनब्रांडेड आटा फ्लोर मीन्स जितना भी आटा आप अनब्रांडेड है जो आप परचून दुकान से खरीद रहे हैं उसमें कोई जीएसटी नहीं लगता, लेकिन अगर आप कोई भी आटा खरीदते हैं जो कि पैक्ड है, किसी भी ब्रांड का खरीदते हैं, तो उसमें जीएसटी लग जाता है। देन प्रसाद ऑफरिंग मेड टू डेटीज मीन्स ऑल द प्रसाद, जितने भी आप प्रसाद खरीदते हैं जो भगवान को चढ़ाते हैं उसमें कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। देन पूजा आइटम्स हमन सामग्री एक्सेट्रा, ऑल द पूजा आइटम्स, ऑल द इंग्रेडिएंट्स व्हिच इज बीइंग देयर इज बीइंग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। पूजा आइटम की जितने भी सामान है, पूजा की पूजा में लगने वाली वस्तुओं पर कोई भी जीएसटी का निर्धारण सरकार द्वारा नहीं किया गया है। देन जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स, ऑल द डॉक्यूमेंट्स व्हिच इज बीइंग देयर फॉर जुडिशियल सर्विसेज एंड लेजिस्लेटिव सर्विसेज, उनको भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर रखा गया है। देन प्रिंटेड बुक न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, जितनी भी मैगजीन्स आते हैं, अखबार होते हैं, और जितनी भी किताबें जो प्रिंटेड फॉर्म में हैं, उनको भी जीएसटी से अलग रखा गया है। देन यू हैव गॉट एजुकेशनल मटीरियल जैसे टेक्स्ट बुक, उसमें भी जीएसटी नहीं लगाया जाता है। हेल्थ केयर सर्विसेज, उसमें जीएसटी नहीं लगता है। मेडिकल इक्विपमेंट एंड डिवाइसेज फॉर डिसेबल्ड पर्सन, जो भी ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट हैं जो कि डिसेबल्ड पर्सन के लिए है, उसमें नहीं लगता है। और फिर सैनिटरी नैपकिन्स जो रहती हैं उसमें भी टैक्स नहीं लगता है। तो ये जितने भी प्रोडक्ट हैं जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, उसमें सरकार द्वारा कोई भी कर निर्धारण नहीं किया गया है। नाउ इसके आगे चलते हैं, तो जन औषधि जेनरिक मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन जो जन औषधि केंद्र में मिल रही है उसमें कोई टैक्स नहीं रखा गया है। आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिसिन, ऑल द मेडिसिन विच इज बींग केप्ट इन द पेरिफेरी ऑफ आयुर्वेदा और यूनानी मेडिसिन स्ट्रक्चर इज बींग केप्ट अवे फ्रॉम द जीएसटी। फ्रेश फ्लावर्स एंड गार्लैंड्स, कोई भी ताज़ा फूल और माला लेते हैं उसमें कोई जीएसटी नहीं लगता है। अनप्रोसेस्ड ग्रीन टी लीव्स मीन्स कोई भी चाय की पत्ती जो फ्रेश है, जो हरी है, उसको आप उपभोग करते हैं उसमें कोई भी जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन अगर वो प्रोसेस हो जाती है, वो पैक्ड हो जाती है, तो उसमें जीएसटी लगता है। जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स, ऑल द प्रोडक्ट्स विच इज बींग मेंट विच इज बींग मेड बाई जूट आर बींग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी। जूट के द्वारा बनाए गए कोई भी सामान का, उत्पाद का, वस्तु का कोई भी टैक्स जीएसटी में नहीं लिया जाता है। हैंडलूम प्रोडक्ट्स में कोई जीएसटी नहीं लगता है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स मीन्स ऑल द प्रोडक्ट विच इज बींग इन द पेरिफेरी ऑफ खादी और विलेज इंडस्ट्री, उसको भी जीएसटी के में कोई भी कर नहीं लगता है। गांधी टोपीज एंड गांधी चप्पल्स, नो जीएसटी इज बीन इम्प्लीमेंटेड। क्ले आइडल्स, वेन वी टॉक अबाउट द आइडल दैट इज मेड ऑफ द क्ले, फॉर एग्जाम्पल दुर्गा पूजा में हम लोग यूज करते हैं
गणेश चतुर्दशी चतुर्थी में हम यूज़ करते हैं, तो जितनी भी बड़ी बड़ी मूर्ति होती है, प्रतिमाएं होती हैं, उसमें कोई भी जीएसटी का निर्धारण नहीं किया जाता सरकार द्वारा। पूजा सामग्रीज एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, पैड अगर नहीं होंगे तो उसमें कोई जीएसटी लगता है, ब्रांडेड नहीं होंगे तो उसमें जीएसटी लगेगा, लेकिन अगर पैक्ड है और ब्रांडेड है तो उसमें जीएसटी लगता है। अनपैक्ड नेचुरल हनी, कोई भी शहद जो कि अनपैक्ड है, नेचुरल है, सीधे आप दुकान से खरीदते हैं, उसमें जीएसटी नहीं लगता है। बट वेन इट इज़ ब्रांडेड, वेन इट इज़ पैक्ड, उसमें जीएसटी लगता है। देन अनपैक्ड कोकोनट ऑयल, कोई भी अगर आप कोकोनट ऑयल लेने जाते हैं, ऑल द कोकोनट ऑयल विच इज बीइंग अनपैक्ड इज बीइंग केप्ट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी, बट वेन इट इज बीइंग प्रोसेस्ड, वेन इट इज बीइंग पैक्ड, इट इज बीइंग इन द पेरिफेरी ऑफ जीएसटी। देन अनपैक्ड पाम ऑयल, अनपैक्ड ग्राउंडनट ऑयल, अनपैक्ड सनफ्लावर ऑयल, मीन्स कोई भी ऑयल जो है जो अनपैक्ड है वो जीएसटी के दायरे में नहीं आता है, लेकिन जैसे ही वो पैक्ड होता है और वो किसी ब्रांड के द्वारा बेचा जाता है उसमें जीएसटी अपने आप निर्धारित हो जाता है। नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द गुड्स, नॉट लेट्स एक्सप्लोर दैट व्हाट आर द सर्विसेज व्हिच इज बीइंग केप्ट और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी। अभी तक हमने बात की कि कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जिसको कि जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर से दूर रखे गए हैं, जिसमें नहीं लगता है। अब हम बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी सेवाएं हैं जिसको अगर आप प्रदान करते हैं तो उसमें कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। लेट्स एक्सप्लोर, फर्स्ट वन इज हेल्थ केयर सर्विसेज, सेकेंड वन इज एजुकेशनल सर्विसेज, थर्ड वन इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई काउंट कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई गवर्नमेंट एक्सेप्ट नोटिफाइड सर्विसेज, चैरिटेबल एक्टिविटीज, रिलीजियस एंड कल्चर एक्टिविटीज, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई आरबीआई, आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज एंड सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स एजेंसीज, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई डिप्लोमेटिक मिशंस एंड काउंसलर पोस्ट, फ्यूनरल्स एंड बरियल सर्विसेज। इफ यू टॉक अबाउट ऑल दिस एक्टिविटी, दीज एक्टिविटीज आर समवेयर और द अदर इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग ऑन द ह्यूमन बिहेवियर एंड द ह्यूमन सोसाइटी, एज द सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग बींग्स, सो दीज हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी, देयर फोर दीज आर बीइंग केप्ट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी। ये जितनी भी सर्विसेज हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, ये कहीं ना कहीं समाज पे सीधा प्रभाव डालती हैं, अतः इनको सेवा वस्तु एवं सेवा कर से मुक्त रखा गया है। तो जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज, जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं उनको दूर रखा गया है, शिक्षा संबंधी जो सेवाएं हैं उनको दूर रखा गया है, जो भी आप जब जाते हैं कोर्ट में, न्याय में विधिक राय लेते हैं, उनको रखा गया है। लेकिन हाँ, अगर इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द एडवोकेट, अगर आप एक एडवोकेट से लेते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ जीएसटी लगता है। देन सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, कोई भी ऐसी सर्विस जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा दी गई है, उसमें जीएसटी नहीं लगता है। देन चैरिटेबल एक्टिविटीज, अगर आप कोई चीज़ चैरिटी में कर रहे हैं तो उसमें जीएसटी नहीं लगता है। रिलीजियस एंड कल्चर एक्टिविटीज, कोई भी आप रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हैं, कल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको भी जीएसटी से एक्सेम्प्ट कर रखा गया है। देन कोई भी सर्विस जो आरबीआई द्वारा या सेबी द्वारा आपको दी जाती है, उसको भी जीएसटी से मुक्त रखा गया है। देन यूनाइटेड नेशन द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो उसको भी जीएसटी के परिधि में नहीं रखा गया है। उसके बाद डिप्लोमेटिक मिशन एंड कंसुलर पोस्ट, कोई भी कंट्री से हमारे डिप्लोमेटिक मिशन से या कहीं पे भी है, उसको भी जीएसटी के पेरिफेरी में नहीं रखा गया है। और अंतिम में जो अंतिम क्रियाओं के समान हैं, जो चीज़ें हैं, उनको भी जीएसटी के पेरिफेरी में नहीं रखा गया है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ऑल द प्रोडक्ट्स विच इज बिंग ओवर ईयर, ऑल द सर्विसेज विच इज बिंग टेकन ओवर ईयर, कोई भी काम आप इससे रिलेट करते हैं, कोई भी मनुष्य अगर इन चीज़ों को देता है, इन क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, तो उसको अपने सेवा के प्रति जीएसटी लेने का कोई अधिकार नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड है। यहाँ पर आपको कोई भी जीएसटी नहीं देना है अगर आप इन सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं, ये सब जीएसटी मुक्त हैं। नाउ एक्सप्लोरिंग दीज थिंग्स इज वेरी इजी, सो इन दिस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू दैट यू हैव गॉट 5 slabs, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%. Then I have told you that what are the products which is being kept into different slab, 5% slab, 12% slab, 18% slab and 28% slab, and what are the products which is being exempted, and at last I have told you about that what are the services which is also being exempted. इस लेक्चर में मैंने बताया आपको कि कौन कौन से पांच स्लैब हैं जिसके द्वारा सरकार कर निर्धारित करती है जीएसटी में, जिसमें कि 0%, 5%, 12%,
12%, 18% एवं 28%। अब यहाँ पर यह भी देखना है कि कौन कौन से ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें सरकार ने कर लगाई है, सब स्लैब के द्वारा मैंने आपको बताया, और मैंने आपको ये भी बताया कि कौन कौन सी वस्तुएं एवं सेवाएं हैं जिसमें सरकार द्वारा कर निर्धारण नहीं हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीकॉम एमकॉम के बच्चों के लिए। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ एमकॉम एंड बीकॉम। आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ GST एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट हाउ यू आर गोइंग टू फिल द टैक्स। प्लीज एक्सप्लोर ऑल द लेक्चर्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।